कसडोल थाना क्षेत्र में पदस्थ दो आरक्षकों को अवैध उगाही करना भारी पड़ गया। कसडोल थाना में पदस्थ आरक्षक अनुराग कोसरिया और लोरिक सैंडल पर काम करवाने की एवज में पैसा लेने का आरोप लगा था। पीड़ितों की शिकायत पर बलौदाबाजार एसएसपी दीपक कुमार झा ने दोनों आरक्षकों को पर कार्रवाई की है और उन्हें लाइन अटैच कर दिया है। कसडोल थाना क्षेत्र के मनबोध और इंद्र कुमार शर्मा ने एसएसपी दीपक कुमार झा से इस संबंध में लिखित शिकायत की थी। पीड़ित मनबोध साहू ने कहा कि उनकी नाबालिग बेटी को भगाने वाले आरोपी पर कसडोल पुलिस ने मामला दर्ज न कर आरोपी से लेनदेन कर सामान सी 151 की धारा में छोड़ दिया है। साथ ही बेटी को तलाशने के एवज में पहले 3,000 रुपये की मांग की गई। उसके खिलाफ किसी 163 के प्रकरण में उसके द्वारा गलत तरीके से कार्रवाई की गई है और जो प्रार्थी है पीड़ित है उनके खिलाफ ही कार्रवाई कर दी गई है और पैसे के लेनदेन के संबंध में जानकारी दी गई है। उसमें डीजीपी भाटापारा के द्वारा उसमें प्राथमिक जांच करवाई जा रही है। आज पुनः एक इंद्र कुमार शर्मा जी के द्वारा भी शिकायत दी गई है जिसमें कि उनके द्वारा अभी किसी प्रकरण में इनसे 20,000 रुपये मांगे जाने के संबंध में शिकायत दिया गया है क्योंकि शिकायत गंभीर है और लगातार दूसरी शिकायत आई है। तत्काल उसमें जो दो आरक्षकों के नाम है दोनों आरक्षकों तत्काल